एक समय था जब बॉलीवुड को कारगिल और लगन जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता था। फिल्म की बजट भले ही कम होती थी मगर फिल्म के अंदर इमोशन भरपूर हुआ करती थी। और एक समय था जब बॉलीवुड बेस्ट कॉमेडी मूवीज के लिए जाना जाता था, जब अक्षय गोविंद सर, परेश रावल, सुनील शेट्टी सर हम सबके खुशी की वजह हुआ करते थे। मगर आज की बॉलीवुड कॉन्टेंट से ज्यादा बोल्ड सीन एंड वायलेंस को फोकस कर रही है। ऐसा कोई फिल्म ही नहीं बना रहे जिसे फैमिली के साथ देख सके। अब तो आमिर खान सर की बातें सच लग रही है जब वो एक इंटरव्यू में कहे जो डायरेक्टर अच्छी फिल्म बना नहीं सकता वो फिल्म को हिट कराने के लिए बोल सीन और वायलेंस का सहारा लेता है। आप पूछोगे ये सब बातें मैं अब क्यों कर रही हूँ। आप अगर फाटे का टीजर देखोगे तो समझ जाओगे ये बातें मैं क्यों कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, आज की है ऋतिक रोशन, दीपिका और अनिल का स्टारर मूवी फाटे का टीजर, जिससे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले पठान और वार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं, जिससे देख के मजा ही आ गया। क्या टीजर है यार, माइंड ब्लोइंग। जब मेकर्स की तरफ से टीजर की अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज हुई थी वो भी काफी अच्छी और प्रॉमिसिंग थी। फाइटर मूवी एक पेट्रियोटिक ड्रामा मूवी होने वाली है जहां ऋतिक के साथ अदर कास्ट एयरफोर्स ऑफिसर की रोल में दिखेंगे और ये मूवी फिक्शन स्टोरी पे आधारित होने वाली है। टीजर में हमें नर्स लियाबा की बेहतरीन एडियर फर्स्ट सीन देखने को मिलती है जिसे देख के एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। जब ये शॉर्ट थिएटर्स में देखेंगे तो कितना मजा आएगा। वैसे मुझे और एक चीज टीजर में बहुत अच्छी लगी और वो है टीजर में सुनाई देने वाली बैकग्राउंड म्यूजिक, जो इस टीजर को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना जाती है। एडिटिंग भी बहुत अच्छे से की गई है, विजुअली भी टीजर काफी खूबसूरत नजर आ रही है। टीजर में जितने एड शॉट देखने को मिलते हैं वो सारे शॉट रियलिस्टिक फील देते हैं। और लास्ट का वो शॉट वंदे मातरम ट्रैक के साथ जिस तरीके से ऋतिक रोशन की एंट्री होती है एक तिरंगे के साथ, वो इस टीजर को एक अच्छी एंडिंग दे जाती है। मगर मैं कर्ज फिर से पठान में जिस तरह दीपिका को दिखाया था यहाँ भी ऐसा ही दिखाया है। क्या जरूरत है ऐसा दिखाने की, एक देशभक्ति फिल्म में रोमांस किस ये सब दिखाने की क्या जरूरत है। क्या इन सब चीजों के बगैर फिल्म नहीं बना सकते या ऐसे चीजें दिखा के ही ऑडियंस को थिएटर तक ला सकते हैं। खे छोड़ो, आपको टीजर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।